एलएनएमयू दरभंगा ने सेशन 23-25 का एमए एमएससी एमकॉम में जो सेमेस्टर वन का एडमिशन है न्यू एडमिशन उस पर जो स्पॉट एडमिशन है ऑन स्पॉट एडमिशन और सेकेंड वेटिंग लिस्ट जो है वो जारी कर दिया है। ठीक है, तो आपको सेकेंड वेटिंग लिस्ट कहाँ से डाउनलोड करना है, स्पॉट एडमिशन किनका होगा, ठीक है, और कैसे क्या होने वाला है स्पॉट एडमिशन में और वेटिंग लिस्ट पे कैसे एडमिशन होने वाला है, ये सारा चीज़ जो है जानकारी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। ठीक है, कब से कब तक एडमिशन होगा और किनका एडमिशन होगा, ठीक है, कौन जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो 23-25 सेशन में अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, या फिर आप भी एडमिशन लेना चाहते हैं पीजी में सेशन 23-25 में एलएनएमयू दरभंगा में, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो में सभी जानकारी दिया जाएगा। इसके बाद हो सकता है कि आपको कोई नोटिस ना मिले एडमिशन के लिए, ठीक है, तो ये मान के चलिए एक तरह से स्पॉट एडमिशन का नोटिस आ चुका है, तो स्पॉट एडमिशन के बाद ज़्यादातर जो है वो नोटिस नहीं आता है, मतलब कि सीट जो है वो इसके बाद खाली नहीं रहता है। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसमें सारा जानकारी जो नोटिस यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया है और जो सेकेंड वेटिंग लिस्ट जारी किया गया है उसके बारे में सारा जानकारी इसमें दे दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये किस किस चीज़ के लिए नोटिस है। ठीक है, द्वितीय प्रतीक्षा सूची यानी सेकेंड वेटिंग लिस्ट और 15 विषय में ऑन स्पॉट एडमिशन के लिए जो है वो सेशन 23-25 में पीजी सेशन 23-25 में एडमिशन के लिए जो है वो नोटिस है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला लाइन जो है वो लिखा हुआ है कि ये जो पीजी है सेमेस्टर 1 23-25 में जो मैथ है, ठीक है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद आपको म्यूजिक हो गया, उसके बाद होम साइंस है और कॉमर्स है, ठीक है, एमकॉम, इसमें जो है इन विषय के लिए जो है वो सेकेंड वेटिंग लिस्ट जारी किया गया है। ठीक है, सेकेंड वेटिंग लिस्ट जारी किया गया है, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड वेटिंग लिस्ट जारी किया गया है सिर्फ इन विषयों के लिए। ठीक है, ये यहाँ पे जो आपको सब्जेक्ट दिख रहा है इस सब्जेक्ट के लिए जो है वो सेकेंड वेटिंग लिस्ट जारी किया गया है। तो अगर आपने इस सब्जेक्ट से अप्लाई किया था, ठीक है, इस सब्जेक्ट से आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था तब आप जो है वो अपना नाम जो है वो सेकेंड वेटिंग लिस्ट में देख लीजिएगा। अगर सेकेंड वेटिंग लिस्ट में आपका नाम है तो जिस कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है वेटिंग लिस्ट में, जिस कॉलेज में आपका सिलेक्शन दिया होगा उस कॉलेज में जाके आप 19 को और 20 को जो है एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, उसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है जिस कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है सेकेंड वेटिंग लिस्ट में। ठीक है, सेकेंड वेटिंग लिस्ट में सिर्फ इन सब्जेक्ट का, ठीक है, इतना जो सब्जेक्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, इतना ही सब्जेक्ट का वेटिंग लिस्ट जारी किया गया है और उसी वेटिंग लिस्ट पर आपको जो है वो अपने कॉलेज में, जिस कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है, जब आप वेटिंग लिस्ट डाउनलोड कीजिएगा या फिर आप सिलेक्शन लेटर वगैरह जब डाउनलोड कीजिएगा, तो जो आपका कॉलेज सेलेक्टेड है, जो कॉलेज आपको दिया गया है उसी कॉलेज में आपको क्या करना है, 19 या 20 को जो है वो आपको जाके एडमिशन ले लेना है। ठीक है, एडमिशन के लिए सारा डॉक्यूमेंट वही रहेगा जो पिछला नोटिस में बताया गया था। ठीक है, आपको जो है वो पार्ट 3 का सारा कुछ ले लेना है, एडमिट कार्ड, उसके बाद मार्कशीट वगैरह ले लेना है, CLC वगैरह ले लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको अगर जाति लगता है तो जाति ले लेना है। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको लेके जाना, ठीक है, और बाकी जो है वो आपको पिछले वीडियो में दिख जाएगा या फिर आप कमेंट में चेक कर लीजिएगा या फिर इससे पिछला वीडियो डॉक्यूमेंट के लिए जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा वो वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो पीजी में एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसका वीडियो जो है वो बता दिया गया है। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा एक बार, और 19 और 20 को जो है वो आपका एडमिशन होगा कॉलेज में। ठीक है, तो ये हो गया किन के लिए, सेकेंड वेटिंग लिस्ट वाले के लिए। ठीक है, सेकेंड वेटिंग लिस्ट में जिनका नाम है उनको जो है वो 19-20 को उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है और इसी सब्जेक्ट का एडमिशन होगा सिर्फ। ठीक है, इसी सब्जेक्ट के लिए वेटिंग लिस्ट जारी किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं स्पॉट एडमिशन का। ठीक है, तो स्पॉट एडमिशन का बात करें तो स्पॉट एडमिशन में आपको क्या करना है कि ये जो 15 सब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो 15 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस 15 सब्जेक्ट में अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला विषय है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, प्राचीन इतिहास जो है वो, उसके अगर कुछ अगर आपने इसमें ऑनलाइन अप्लाई किया है, ठीक है, उसके बाद ड्रामा है, ठीक है, उसके बाद संस्कृत है, उर्दू है, फिलोसफी है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, इंग्लिश है, हिंदी है, बोटनी है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, पर्सियन है और मैथ, आर्ट्स वाला मैथ। ठीक है, अगर इन सब्जेक्ट में,
इन सब्जेक्ट में, ठीक है, ये जो सब्जेक्ट दिख रहा है स्पॉट एडमिशन सिर्फ इसमें होगा। ध्यान दीजिएगा कि स्पॉट एडमिशन सिर्फ ये जो सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है इसी में होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द्वितीय सूची, ठीक है, द्वितीय सूची एवं प्रतीक्षा सूची, यानी कि जो सेकेंड लिस्ट है या फिर जो वेटिंग लिस्ट है, इसमें जो है वो नामांकन के बाद भी जो है वो सीट जो है वो खाली रह गया, ठीक है। तो सीट खाली रह गया है, तो ऐसे विषय में जो है वो ऑनलाइन एडमिशन के लिए, जो ऑनलाइन एडमिशन के लिए अप्लाई किए हुए थे पीजी में, तो उसको जो है वो क्या करना है, कॉलेज जाके आपको एडमिशन ले लेना है, ठीक है। एडमिशन कैसे होगा, तो देखिए, अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करते समय, ठीक है, मान लीजिए कि आपने एंशियंट इंडियन हिस्ट्री लिया था, या ड्रामा लिया था, या इकोनॉमिक्स संस्कृत लिया था, या इंग्लिश लिया था, या फिर हिंदी लिया था, या साइकोलॉजी लिया था, ये सारा सब्जेक्ट जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, ये नोटिस आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, या फिर आप कॉमेंट चेक कीजिएगा, ठीक है। कॉमेंट में जो पहला कॉमेंट होगा उसमें सेकेंड वेटिंग लिस्ट, ठीक है, सेकेंड वेटिंग लिस्ट डाउनलोड लिंक मिलेगा, उसके बाद आपको ये नोटिस का डाउनलोड लिंक मिलेगा आपको नीचे, ठीक है। तो कमेंट चेक कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप नोटिस पे बात करते हैं, तो नोटिस में जो सब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस सब्जेक्ट में ही सिर्फ स्पॉट एडमिशन होगा, वो भी उनका स्पॉट एडमिशन होगा इस नोटिस के अनुसार, जो ऑनलाइन अप्लाई कर चुके थे लेकिन किसी तरह से उनका एडमिशन नहीं हुआ था, ठीक है। अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था और आपका जो है वो किसी लिस्ट में नाम नहीं आया था, वेटिंग लिस्ट में भी नाम नहीं था, और अगर आपका ये सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट है, तो आप जाके जो है वो ऑन स्पॉट एडमिशन कॉलेज में करवा सकते हैं, ठीक है। कौन से कॉलेज में करवाना है, ठीक है, आपको पहले आओ पहले पाओ के तहत एडमिशन लिया जाएगा, ठीक है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 19 तारीख और 20 तारीख को एडमिशन लिया जाएगा, ठीक है। 19 तारीख को और 20 तारीख को जो है वो आपको कॉलेज में एडमिशन लिया जाएगा, पहले आओ पहले पाओ के तहत, ठीक है। मतलब कि आप जितना जल्दी जाइएगा उतना जल्दी सीट खाली जितना होगा उसके हिसाब से आपका एडमिशन लिया जाएगा कॉलेज में। आप जहाँ भी एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ जाइए, अगर उस सब्जेक्ट में सीट खाली है तो आपका स्पॉट एडमिशन लिया जाएगा, ठीक है। पहले आओ पहले पाओ है, इसमें कोई लिस्ट जारी नहीं होगा, स्पॉट एडमिशन के लिए कोई भी लिस्ट जारी नहीं किया जाएगा, ठीक है। सीधा आप जाइए कॉलेज में, ऑनलाइन अप्लाई जो किए हुए फॉर्म उसको लेके, ठीक है, और सीट खाली है तो डायरेक्ट एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। तो डायरेक्ट एडमिशन किस पे होगा, स्पॉट एडमिशन सिर्फ इतना सब्जेक्ट पे होगा। कब से कब तक होगा, आपको 19 और 20 तक होगा, ठीक है, 19 और 20 तारीख को एडमिशन होगा कॉलेज में, ठीक है। और इसके लिए जो आपको कोई सिलेक्शन लेटर या फिर कोई वेटिंग लिस्ट वगैरह या फिर कोई मेरिट लिस्ट आपको डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं है स्पॉट एडमिशन के लिए, ठीक है। लेकिन जो सेकेंड वेटिंग लिस्ट जारी किया गया है, सेकेंड वेटिंग लिस्ट जारी किया गया है, उसके लिए जो है आप सारा डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, ठीक है। अपना सब में जो है वो डॉक्यूमेंट सेम रहेगा, ठीक है, जो ऑनलाइन अप्लाई किए हुए हैं, ठीक है, उसका आपको प्रिंट निकाल के लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद आपका पार्ट 3 का मार्कशीट, एडमिट कार्ड, जातीय वास्तीय जो भी है आपका, आधार कार्ड, ये सारा चीज़ आपको लेके जाना, ठीक है। तो 19 तारीख से 20 तारीख के बीच में स्पॉट एडमिशन भी लिया जाएगा और वेटिंग लिस्ट जो जारी किया गया है, सेकेंड वेटिंग लिस्ट, उसके ऊपर भी एडमिशन लिया जाएगा। एडमिशन का डेट 19 और 20 तारीख को ही है, 19 और 20 दिसंबर 2023, ठीक है। तो पीजी सेशन 23-25 में एडमिशन के लिए ये आखिरी मौका आपको हो सकता है, सेकेंड वेटिंग लिस्ट वाले के लिए और स्पॉट एडमिशन के लिए, ठीक है। तो सेकेंड लिस्ट के लिए जो है वो आपको, सेकेंड वेटिंग लिस्ट के लिए इतना सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये 9 सब्जेक्ट है, उसके बाद ये 15 सब्जेक्ट में स्पॉट एडमिशन होगा, इस 15 सब्जेक्ट में स्पॉट एडमिशन होगा, जो आप नोटिस में ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट आपको बता दिया गया है, ठीक है, फिर भी अगर आप श्योर नहीं है तो एक बार नोटिस में सब्जेक्ट पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप अपने कॉलेज में जहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस डिपार्टमेंट में, वहाँ जाके डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई किए हैं तब, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करने वालों के लिए ही बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जो नामांकन से वंचित रह गए हैं वैसे छात्र छात्राएं अपना आवेदन में चयनित, ठीक है, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जो जो कॉलेज दिए हुए थे उसमें से किसी भी एक कॉलेज में चले जाइएगा, ठीक है। तो जहाँ भी सीट खाली रहेगा आपका एडमिशन डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल उम्मीद है कि आपको ये नोटिस के बारे में समझ में आ गया होगा और पीजी सेशन 23-25 में स्पॉट एडमिशन कब से हो रहा है और कौन से सब्जेक्ट में हो रहा है, उसके बाद सेकेंड वेटिंग लिस्ट पे कैसा क्या एडमिशन है, कौन से सब्जेक्ट का एडमिशन है, ये सारा जानकारी आपको मिल गया होगा। 19 और 20 को आपका एडमिशन होगा, 19 और 20 को आपको कॉलेज चले जाना है, ठीक है।
19 को ही कॉलेज चले जाइए, क्योंकि पीजी में जो है वो इस बार बहुत सारा एप्लीकेशन आया हुआ है, बहुत सारा भीड़ है और सीट कम है, ठीक है। तो 19 और 20 को एडमिशन है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ मिलते हैं। और अगर कोई सवाल है आपका तो नीचे कमेंट कर लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। और टेलीग्राम का ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप नीचे दिया हुआ, या फिर इंस्टाग्राम @LNMUnotes पे आप जो है वो डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ मिलते हैं LNMUnotes के यूट्यूब चैनल पर।